हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जो वीडियो मैंने बोला था कि अभी थोड़ी देर बाद आएगी, उसी वीडियो के सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ। अब चलिए शुरू से सीखते हैं कि उसको हम कैसे बनाएंगे। जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको एक डेमो टाइप का दिखाया था, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब चलिए उसको सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। तो ये एक्सेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2021 यूज कर रहा हूँ, जिसमें कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप मिलता है, जो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, अब यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आएगा, आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ ही ये सिनेरियो बन जाएगा। अब आपको व्यू पे क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक करके इसको एक नाम दे देना है। लाइक इसे मैं बनाता हूँ स्टूडेंट टेबल, तो ये स्टूडेंट टी लिख देता हूँ तो पता चलेगा कि ये स्टूडेंट की टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो ये कर दिया रजिस्ट्रेशन, आईडी कर सकते हैं या नंबर कर सकते हैं, तो यहाँ नंबर कर देता हूँ। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। और इसे ऑटो नंबर ना रख करके हम यहाँ रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। तो ये अगर आप 2007 यूज करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, टी छूट गया। और यहाँ पर आएंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट होगा, तो नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप क्लास वगैरह भी लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये पहली टेबल हमारी बन गई। अब हमने ये टेबल तो बना ली है, अब इसमें डेटा भी फीड कर लेते हैं, कुछ डेटा इसमें एंटर कर देते हैं। तो ये हम डेटा एंटर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने एंटर किया यहाँ पे A01, तो एक डेटा हो गया A01, नाम हो गया स्टूडेंट का राम। ठीक है, अब यहाँ पे A02 करेंगे, नाम हो गया स्टूडेंट का श्याम। इसी तरीके से A03, आप इसी क्रम में इसे देते जाएंगे। तो A03 हो गया, मनोज लिख दिया। इसी तरह से और भी नाम हम देते जाएंगे विथ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे सुमित, फिर यहाँ पे अमित, ऐसे करके और भी नाम आप दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने इतना ही दिया, अब इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं। तो ये टेबल हमारी बन गई। ठीक है, अब ये टेबल तो हमारी बन गई, लेकिन अब हम दूसरी टेबल इसमें बनाएंगे। तो दूसरी टेबल, अब देखिएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है तो एक फील्ड तो कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि हम क्रिएट कराएंगे, हम बनाएंगे एक रिलेशनल डेटाबेस। तो यहाँ पर जाकर के अब इसे मैं रिजल्ट या फिर यूनिट टेस्ट 1 दे देता हूँ। यूनिट टेस्ट 1 इस नाम से सेव करता हूँ। और यहाँ पर क्या दे दूंगा, इस बार रोल नंबर दे दूंगा। तो ये कर दिया रोल नंबर, रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। अब देखिए, इसमें जो है ना, यहाँ पे स्टूडेंट वाले टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बनाया, लेकिन इस वाले टेबल में मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाऊंगा, उसे जो है फॉरेन की बनाएंगे। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद क्या करना है आपको, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे तो यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट, डेटा टाइप तो सेम रहेगा, और अब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे। लाइक यहाँ पे मान लीजिए कंप्यूटर का अलग मार्क्स आएगा, है ना, फिर इंग्लिश का अलग आएगा, मैथ्स का अलग आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका अलग अलग मार्क्स आ जाएगा। तो मान लीजिए फिलहाल मैं समझने के लिए 3 ही सब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसमें और भी सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कर देंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो एवरेज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो जो आप करते जाएंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल कर दिया, एवरेज कर दिया, और आप चाहे तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ग्रेड भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल टोटल और एवरेज तक ही इसको सीमित रखते हैं, आगे आप और भी कर सकते हो। मैंने तो बताया ही है कि इसको कैसे करना। यहाँ कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है, सबसे पहले टोटल में चल के कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये कैलकुलेटेड ले लिया। यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूटर प्लस यहाँ पे लगाएंगे इंग्लिश ENGLISH प्लस मैथ्स MATHS मैथ्स। तो ये 3 सब्जेक्ट हमने ले लिए। ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग का जो लेटर है वो सेम होना चाहिए इस तरीके से, और यहाँ से ओके करना है आपको। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट का ही प्रयोग करना है। तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मेरे साथ आ रही है प्रॉब्लम। तो वो चीजें, पहले कंप्यूटर था प्लस इंग्लिश और फिर जाकर के मैथ्स था। तो यहाँ पे अब ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट कर लिया है, और इसको बंद करके फिर देखिए, यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रेसेस आया गया वो कर्ली ब्रेसेस नहीं आना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट ही होना चाहिए, और स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, कैपिटल स्मॉल का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, अब ये तो कर लिया हमने। अब यहाँ पे एवरेज भी कर लेते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेटेड ले करके, और चूंकि टोटल के ही अंदर छिपा होगा एवरेज, तो TOTAL टोटल अपॉन, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, तो 3 यहाँ पे कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे, और व्यू पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने। ठीक है,
अब ये तो आ गया हमारे सामने। अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर वही डालेंगे जो हमने पहले वाले टेबल में डाला था, यानी कि यहाँ पर A01 से है तो यहाँ पर भी A01 ही होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये A01 हो गया। और यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स आएंगे तो आउट ऑफ 100 जो भी हो, यहाँ पे आउट ऑफ 100 तो जो भी आपका आया हो कंप्यूटर का मार्क्स और जो भी मार्क्स आए हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एंटर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही मार्क्स हमने एंटर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए एवरेज और टोटल, यहाँ पे टोटल भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन टोटल को कैलकुलेट करने में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टोटल गलत कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो टोटल को सही करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ डिजाइन व्यू पे वापस जाना है और यहाँ पे जो कैलकुलेटेड डेटा टाइप हमने लिया है यहाँ पर आकर के और थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। जैसे हमें ये देखना होगा कि कंप्यूटर की स्पेल, अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर सब जगह मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ले रखा है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शॉर्ट टेक्स्ट है तो ये कैलकुलेट नहीं होने देगा। तो आपको इन सबको नंबर जरूर बना देना है, तो जब भी शॉर्ट टेक्स्ट आए यहाँ पे तो इसको नंबर बना लीजिएगा व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग। तो जब नंबर बना लेंगे तो फिर ये कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से जाके और यहाँ से ओके करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पर अब ये बिल्कुल सही कैलकुलेट होकर आने लगा। तो आपको नंबर ही रखना है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर तो ऑलरेडी हमने एक टेबल बनाया ही हुआ है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कराना है और उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर के और यहाँ से मैं एक और टेबल बना लेता हूँ। तो ये तीसरी टेबल हम बनाने जा रहे हैं और इसे मैं लिख देता हूँ यूनिट टेस्ट टू, इसे मैं यूनिट टेस्ट टू नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इस बार मैं स्कॉलर आईडी रखता हूँ, स्कॉलर आईडी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्कॉलर आईडी रखा है मैंने और देन यहाँ पे इसे ऑटो नंबर रखते हैं या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, तो चलिए इस बार ऑटो नंबर रखते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे तो कंप्यूटर आ गया, ठीक है, और इंग्लिश आ गया और मैथ्स, वही तीन सब्जेक्ट लेते हैं हम फिर से, तो इंग्लिश हो गया और देन मैथ्स, तो यहाँ MATHS मैथ्स कर लिया। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है आपको कि ये नंबर जरूर बना लीजिएगा, नंबर नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये नंबर जरूर बना लीजिएगा। तो ये नंबर बना करके फिर देन यहाँ पर आकर के फिर टोटल कर लीजिए यहाँ पर, तो टोटल करते समय आपको पता ही है कि कैलकुलेटेड डेटा टाइप यहाँ मिल जाता है। अगर आप 2007 यूज कर रहे होंगे तो उसमें आपको क्वेरी लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कोई क्वेरी आपको नहीं लगानी है इस तरह की। प्लस इंग्लिश प्लस MATHS मैथ्स, तो ये तीनों सब्जेक्ट हो गए, यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इतना करने से आपका टोटल कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक काम और इसमें रह गया है, वो ये है कि इसमें हमें रोल नंबर भी डालना है। तो ये हो गया रोल और नंबर, ठीक है। और ये जो ऑटो नंबर है ना, इसको हम चेंज ही कर देते हैं, तो शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं और बस यहाँ से जा करके और यहाँ से अब स्कॉलर आईडी S01 करेंगे और यहाँ कंप्यूटर के मार्क्स आएंगे, फिर यहाँ इंग्लिश, फिर यहाँ मैथ्स और यहाँ टोटल, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा रोल नंबर 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि रोल नंबर में हमने क्या दिया हुआ है। तो यहाँ रोल नंबर 1-2 का ही फॉर्मेट है, यूनिट टेस्ट 1 वाले में देखना पड़ेगा कैसा फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने रोल नंबर में रोल नंबर 1-2 का ही फॉर्मेट दिया है, तो जैसा दिया है बिल्कुल वैसे ही आपको रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे S02 करते हैं, S02 और यहाँ पे बाकी के मार्क्स एड कराते चलते हैं, ठीक है। तो ये ऐड हो गया और यहाँ पे रोल नंबर 2 की बात हो जाएगी। फिर यहाँ S03 करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाके यहाँ पर S03, ठीक है, और यहाँ पे 68, 34, 55 ये मैंने कर दिया। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ये 3 हो गया। तो 3 हो जाने के बाद अब इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पे A02 करेंगे, यहाँ 56 जो भी मार्क्स हैं वो यहाँ पे एंटर करवा दीजिएगा। एंटर करवाने के बाद आप देखेंगे कि एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका। तो हर जगह अब फॉर्मूला लगा दिया, तो यही तो फायदा है एक्सेस का कि हर जगह एवरेज भी कैलकुलेट होता चलेगा हमारा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर ये सारे मार्क्स कैलकुलेट हो गए। कभी कभी ऐसा अगर आता है तो आप यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, ये एरर कतई ही नहीं है। तो ये हो गया, अब ये तीन टेबल हमारे पास हो गई है, तो अभी तीनों टेबल्स को कंबाइन कराने की जिम्मेदारी है। तो यहाँ से जाकर के डेटाबेस टूल्स पर रिलेशनशिप पे जाएंगे और यहाँ तीनों टेबल्स को ड्रैग करा करके लेके आएंगे, ये पहली टेबल, ये दूसरी टेबल और ये तीसरी टेबल। रिलेशनशिप कैसे कैसे क्रिएट होगा उसको देखना होगा। तो यहाँ से चलेंगे तो ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर का रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन नंबर से क्रिएट होगा, तो ये ध्यान देना है आपको। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर वाली दोनों टेबल, ठीक है। बाकी यहाँ रोल नंबर है, तो रोल नंबर का रिलेशनशिप रोल नंबर से होगा, तो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक कर दिया जाए। इन तीनों पर टिक कर दीजिएगा, वन टू मेनी रिलेशनशिप जरूरत हो जाएगी।
देन रजिस्ट्रेशन नंबर को उठाइएगा, सॉरी रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर को उठाइएगा और यहाँ पे रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि दोनों में प्राइमरी की नहीं होना चाहिए, एक में प्राइमरी की होगा तो दूसरे में नहीं होगा, है ना। और ये जो है यहाँ पर ये कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ फील्ड्स, तो यहाँ पे देखना होगा कि रोल नंबर का फील्ड क्या है। यहाँ पे यहाँ से डिजाइन व्यू पे लेके चेक करेंगे हम कि रोल नंबर का फील्ड हमने क्या रखा है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, यहाँ नंबर ही रखेंगे हम और देन इसको सेव करके यहाँ से जाएंगे और यहाँ यस कर देंगे, ये यस कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। तो सेम फील्ड होना चाहिए रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। अब आएंगे रिलेशनशिप वाले पे, अब जब हम जाएंगे यहाँ से ना, तो देखिए ये रोल नंबर है और रोल नंबर दिख रहा है, तो यहाँ से उठा करके इसको यहाँ रखेंगे ना, तो ये अब रिलेशनशिप क्रिएट होता हुआ हमें नजर आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां से इसको पहले क्लोज कर लेना होगा, ये ध्यान रखिएगा कि टेबल भी क्लोज होना चाहिए। अब जो है ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी, तो यहां से जाकर के इसको लगा दीजिए और ये तीनों पर टिक करके और यहां से ओके कर दीजिएगा। तो ये देखिए तीनों ही टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो अब ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाने के बाद क्या करना है, रिलेशनशिप जब क्रिएट हो जाएगी तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट वाली टेबल में चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ से जाएंगे ना और ये प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, तो आपको स्टूडेंट वाले टेबल में ही रहते रहते एवरेज और टोटल यूनिट टेस्ट 1 का पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी प्लस का साइन दिया हुआ है, तो यूनिट टेस्ट 2 का भी पता चल जाएगा आपको कि यूनिट टेस्ट 2 में क्या हुआ। अब इसके लिए फॉर्म डिजाइन करना है, तो चलिए फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे और फॉर्म विजर्ड पे चलेंगे, विजर्ड से हम तैयार करेंगे ये। तो ये विजर्ड पे जाने के बाद पहला जो हमारा था नेम ऑफ स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको ले लिया हमने। और यूनिट टेस्ट 1 से हम कुछ फील्ड्स लेने वाले हैं, जैसे रोल नंबर ले लिया हमने, रजिस्ट्रेशन नंबर तो ऑलरेडी है हमारे पास तो उसको नहीं लेते, कंप्यूटर इंग्लिश मैथ टोटल और एवरेज ले लेते हैं। देन अब हमें यूनिट टेस्ट 2 वाला चाहिए, तो यहाँ से स्कॉलर आईडी उठाते हैं, कंप्यूटर उठाते हैं, इंग्लिश उठाते हैं, मैथ्स उठाते हैं, टोटल उठा लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। फिर हम स्टूडेंट टी को आगे रखेंगे और यहाँ से लिंक्ड फॉर्म बनाएंगे, लिंक्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर जाकर के और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तो जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का ये सिनेरियो नजर आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा डिजाइन व्यू पे लेना होगा, तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ से जाकर के और एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, ये इतना बड़ा बड़ा नहीं रहेगा, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको आप छोटा रखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट टी जो आ रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे, बाकी यहाँ पे यूनिट टेस्ट 1 ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। तो अगर आपको यूनिट टेस्ट 1 का रिजल्ट देखना है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो पूरे को सेलेक्ट करके क्या करना है, होम टैब पे जाना है और यहाँ से जा करके और इसका कलर ब्लैक कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो, देखने में सुविधा हो, ठीक है। और चाहे तो आप पॉपअप को भी यस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जाएंगे ना तो यहाँ से फॉर्म को जब देखेंगे तो यहाँ से पॉपअप मिल जाता है, तो पॉपअप पर जा करके और इसको यस कर दीजिएगा और यस करने के बाद व्यू पे क्लिक कीजिएगा। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का सिनेरियो आपको नजर आएगा, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये आपका सॉफ्टवेयर बनता हुआ सा नजर आने लगेगा। जब ये होने लगे तो क्या करना है आपको, ये जब होने लगेगा तो आपको यहाँ पे यूनिट टेस्ट 1 पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो पूरा पूरा शो होने लगेगा। कैसे शो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लिंक्ड फॉर्म बनाया है, ये तो आपका सब फॉर्म है और ये देखिए ये यूनिट टेस्ट वाला है, तो ये जो है लिंक्ड फॉर्म है। तो लिंक्ड फॉर्म होने का मतलब ये है कि इस ये जो है पहले टेबल से ही डेटा फेच हो जाएगा। और अगर चाहते हैं इसमें भी आप पॉपअप को यस करना, तो यहाँ से पॉपअप पर मॉडल को यस कर सकते हैं, तो फिलहाल केवल पॉपअप को यस करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग करके बड़ा करेंगे तो, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल नहीं दिख रहा है और तमाम चीजें नहीं दिख रही हैं, तो आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो सारी चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब जब बन गया है तो इसको यस कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये यानी कि हमारा बहुत कुछ तैयार हो चुका है, मैक्सिमम डेटा हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा मान लीजिए कि ये तो हो गया, अगर हम यहाँ से जाते हैं जैसे यूनिट टेस्ट 1 पे चले गए तो ये यूनिट टेस्ट 1 तो देख ही रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए हम स्टूडेंट वाले टेबल पे जाते हैं, तो ये डबल क्लिक किया स्टूडेंट वाले टेबल पे आ गए, तो यहाँ यूनिट टेस्ट 1 दिखेगा, तो यूनिट टेस्ट 1 का पूरा रिजल्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉम्बो बनाएंगे, कॉम्बो, तो यहाँ पे चलते हैं, कॉम्बो बनाते हैं। तो कॉम्बो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है ये फॉर्म डिजाइन के अंदर ये कॉम्बो बॉक्स। तो ये कॉम्बो बनाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको ट्रैक करवा देंगे। जब ट्रैक करवाएंगे तो ये तीन ऑप्शन वाला लिस्ट खुलेगा, तीसरे ऑप्शन पर टिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे हमें सर्च करना है, आगे बढ़ेंगे।
और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वन आ जाता है, इसको वन हटा करके और यहाँ से फिनिश कर देंगे, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है, और छोटा करने के बाद क्या करना है, ये थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, यहाँ से इस तरीके से जा सकते हैं। ये हो गया, अब क्या करना है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर चूज कर सकते हो। तो जैसे 3 चूज करोगे तो 3 वाला रिजल्ट आपके सामने आएगा, और यहाँ यूनिट टेस्ट 1 पे जाओगे ना, तो ये 3 वाला ही आपको मार्कशीट शो होगा। देखिए ये 3 वाला जो स्टूडेंट है उसी का मार्कशीट आपको शो हो रहा है टोटल, ठीक है, एवरेज के साथ। तो ये 3 वाला मार्कशीट ही आपको शो होगा। अगर आप चेंज करते हो, सपोज यहाँ से आपने 2 कर दिया इसको, तो 2 वाले स्टूडेंट का ही मार्कशीट आपको शो होगा। तो देखिए 2 वाला ही स्टूडेंट का मार्कशीट शो हो रहा है, ठीक है। इसमें और भी अरेंजमेंट आप कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा करना हो और साइज में अरेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पर जाते हैं तो हमें ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट हमें शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये रिजल्ट हमारा कौन सा रिजल्ट है, ये यूनिट टेस्ट 1 वाला रिजल्ट है। और 2 वाला रिजल्ट कहाँ है, तो ये देखिए ये नीचे जो है आपको 2 वाला भी रिजल्ट नजर आएगा, यानी दोनों ही नजर आएगा। तो लिंक्ड फॉर्म करने का ये फायदा है। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको क्लोज करना चाहते हैं, यहाँ से क्लोज कर दिया, इसके लिए रिपोर्ट डिजाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाकर के रिपोर्ट भी बना सकते हैं। रिपोर्ट भी तो बनाना बहुत इजी है, इसको सेव कर लीजिए और फिर अब रिपोर्ट पे चलते हैं। तो ये रिपोर्ट विजर्ड पे आएंगे, और विजर्ड पे आने के बाद क्या करना है, उससे भी पहले हम एक क्वेरी बना लेते हैं। तो क्वेरी क्रिएट पे जाकर के फिर क्वेरी विजर्ड में जाएंगे। तो विजर्ड में जाने के बाद सिंपल क्वेरी विजर्ड जाना है हमें, और करना क्या है, यहाँ पे करना ये है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें लेना है पहले स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट ले लेंगे। और दूसरा क्या लेना है, यहाँ से यूनिट टेस्ट 2 का रिजल्ट चाहिए, तो इसमें स्कॉलर आईडी हमारी मेन है, और कंप्यूटर इंग्लिश मैथ्स और टोटल मेन है। रोल नंबर तो हम अगले वाले टेबल से उठाएंगे, यानी यूनिट टेस्ट फर्स्ट से उठाएंगे। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर मिल जाता है, तो रोल नंबर क्या ऑलरेडी ले रखा है या नहीं ले रखा है, तो इन सबको इधर करता हूँ। वापिस से आते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट टी वाले से आएंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट। अब ये यूनिट टेस्ट फर्स्ट का लेंगे, ये ले लिया हमने, रजिस्ट्रेशन नंबर तो चाहिए नहीं, तो बाकी सारे फील्ड्स ले लीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़ दीजिए। अब आइए यूनिट टेस्ट 2 पर, तो स्कॉलर आईडी तो चाहिए और बाकी सारे फील्ड चाहिए, रोल नंबर तो चाहिए नहीं, तो बस यहाँ से ओके करिए और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, और यहाँ पर आप फिनिश कर सकते हैं। तो जब आप फिनिश करोगे तो यहाँ पर ये क्वेरी बनती हुई नजर आएगी आपको, ये क्वेरी बनी हुई है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे सर्च करना है। तो यहाँ हम कहेंगे कि हमें फॉर्म के अंदर सर्च करना है, तो यहाँ फॉर्म ऑटोमेटिक आ जाता है, और नहीं भी आता है तो भी आप यहाँ फॉर्म्स लिख लीजिएगा और एक्सक्लेमेशन लगाइएगा। एक्सक्लेमेशन के बाद हमें वो फॉर्म सर्च कहाँ से करना है, तो हमें सर्च इस तरीके से करना है कि सर्च हम किस में से करेंगे, सर्च हम करेंगे लाइक यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म है ना, ये यूनिट टेस्ट 1, इसी में से हम सर्च करने वाले हैं। या आप स्टूडेंट टी का यूज कर सकते हैं, तो स्टूडेंट टी कर देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट टी करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेरी हम लगा रहे हैं उसमें हम स्टूडेंट टी कर देते हैं, तो ये स्टूडेंट टी किया हमने, इसको पहले क्लोज करते हैं यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे स्टूडेंट टी, तो ये स्टूडेंट टी वाला फॉर्म हमने लिया है, और यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे सर्च करेंगे, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और लगा करके यहाँ से सेव कर लीजिएगा, ये सेव कर लिया, और सेव करके यहाँ से क्लोज कीजिएगा, ये भी क्लोज कर दीजिएगा, और ये एट लास्ट ये भी क्लोज कर दीजिएगा। सेव होना चाहिए क्वेरी आपकी, ठीक है। तो ये क्वेरी भी सेव हो गई है। अब करना क्या है आपको, अब सीधा सीधा कहाँ चले जाना है, आप सीधा सीधा चले जाइए स्टूडेंट टी वाले टेबल पे, ये आ गए। अब आने के बाद हमको यहाँ से देखना है कि हम कौन से वाले स्टूडेंट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका क्या हो, वो उसका रिजल्ट देखना। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर 2A02 वाले का, जिसका नाम श्याम है, उसका हम यूनिट टेस्ट 1 का रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो यूनिट टेस्ट 1 पे जाइए, ये आपको यूनिट टेस्ट 1 की पूरी डिटेल यहाँ पे नजर आ जाती है, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट टेस्ट 1 और इनका रोल नंबर क्या है, इनका रोल नंबर 2 है, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यही चीज आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी, जैसे स्टूडेंट टी वाले टेबल पे आएंगे तो टेबल में देखिए टेबल ये है आपकी, यहाँ पे टेबल को ओपन करते हैं, इसको पहले क्लोज करते हैं, ये टेबल आपकी ओपन है, तो A01 वाला टेबल है, ठीक है, यानी A01 वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसका कि रोल नंबर क्या है, 2 है। तो देखिए इसका तो रोल नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब A01 को देखेंगे तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ आ गए। अब यहाँ से अगर हम A01 सेलेक्ट करते हैं या A02 सेलेक्ट करते हैं, तो A02 वाले का नाम क्या है, श्याम है, जिसका अब देखिए यहाँ यूनिट टेस्ट 1 पे जाएंगे तो अब श्याम का रोल नंबर तो 2 ही है, तो 2 वाले का पूरा रिजल्ट शो कर जाएगा, ठीक है।
और जब इसको रिपोर्ट प्रिंट करना होगा तो हम रिपोर्ट डिजाइन करेंगे, तो यहां से जाकर के और यहां से रिपोर्ट विजार्ड पे जाकर के देन यहां पे सारा फील्ड्स ये लेना होगा आपको, तो ये फील्ड्स हम लेंगे और ये मैं क्या करता हूं क्वेरी के बेस पे आते हैं, क्वेरी के बेस पे, तो ये जो क्वेरी हमने बनाई है स्टूडेंट क्यू स्टूडेंट क्वेरी उसी के बेस पे चलेंगे, तो ये स्टूडेंट क्वेरी हमने ले लिया, हमें किसके बेस पे सर्च करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी सारे ये फील्ड चाहिए होंगे हमको, तो ये सारे ही फील्ड्स ले लेते हैं जो जो जरूरत है हमको, अपना देख लीजिएगा किस किस चीज की जरूरत है उसको उसको ले सकते हैं आप, हम प्रायोरिटी देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर को, आगे बढ़ेंगे और यहाँ स्टेप में ब्लॉक में आउटलाइन में किस हिसाब से आपको चाहिए वो देख करके और यहाँ से फिनिश कर दीजिएगा, जब फिनिश करेंगे तो यहाँ आपकी रिपोर्ट तैयार होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर सारी रिपोर्ट आपके सामने है, ये एक आपका रिपोर्ट है, ठीक है, एक आपका रिपोर्ट कार्ड है जिसमें सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाती है। ये देखिए ये रिजल्ट शो होने लगा, अब यहाँ पे शो करेगा तो ये डबल क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए रिपोर्ट हमारे सामने खुल करके आ गई है और सारी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने आई हुई है स्टूडेंट टी, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को आप और भी अधिक मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई करने के लिए इसको डिजाइन व्यू में ले लोगे और तमाम चीजें इसमें कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा रिपोर्ट ही जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे रिपोर्ट पे आकर के और रिपोर्ट में आकर के मैं पॉपअप को ऑन कर दूंगा, यहाँ से पॉपअप को ऑन करूंगा तो यहाँ रिपोर्ट भी स्टाइलिश वे में दिखाई देगा, तो यहाँ से आप आएंगे ना तो रिपोर्ट भी हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको फॉर्म में चूज करना होगा कि आपको देखना क्या है, यहाँ पर आकर के आप देखिए ये खुल गया ना, अब यहाँ पर रिपोर्ट पे जाएंगे तो ये देखिए रिपोर्ट आपको ऑलरेडी खुली मिलेगी, तो ये आपकी रिपोर्ट है देख सकते हैं सारा डिटेल, यहाँ पे रोल नंबर क्या है, यूनिट टेस्ट वन में कंप्यूटर में कितना था, यूनिट टेस्ट वन इंग्लिश में कितना था, यूनिट टेस्ट वन मैथ्स में कितना था, ठीक है, ये पूरा यूनिट टेस्ट वन का डिटेल है और यहाँ पे देखिए ये यूनिट टेस्ट टू का डिटेल है, तो इसमें भी कुछ चीजें छिपती हुई दिख रही है तो आप उसको भी सही कर सकते हो। आई होप कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। इसमें मॉडिफिकेशन जरूरी है तो मॉडिफाई आप कर लेना, बाकी सारी चीजें तो मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से आपको करना है। आप देखिए ये स्कॉलर आईडी काफी बड़ा हो गया जिसके चलते बाकी का डेटा हमें नहीं नजर आ रहा है, स्कॉलर आईडी खूब बड़ा हो गया है तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ से यूनिट टेस्ट वन पे जाइए तो ये ओपन हो जाएगा और जब रिपोर्ट देखेंगे इसकी तो डबल क्लिक करके आइएगा रिपोर्ट पे तो ये देखिए ये सारी ही चीजें आप एकदम क्लियर दिखाई पड़ रही है कि यूनिट टेस्ट वन का रिजल्ट क्या रहा। देखिए ये यूनिट टेस्ट वन का है, ठीक है। इसमें आप बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहो तो बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले तो इसे डिजाइन व्यू पे ले लीजिएगा, जब ये डिजाइन व्यू पे आ जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलता है डॉटेड बॉर्डर, तमाम ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, देखिए बॉर्डर स्टाइल साइजेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से जाकर के जिस तरह का बॉर्डर स्टाइल चाहिए हो उस तरीके का बॉर्डर स्टाइल ले सकते हैं। अब ये देखिए ये तो हमारा रिपोर्ट ये ओपन हो गया रिपोर्ट, देखिए ये डायलॉग के रूप में आ रहा है, आप देख सकते हैं।